परिवार के बाद हमारा अहम साथी होता है हमारा दोस्त, और अगस्त के पहले रविवार को हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं नागपुर के लोगों से कि कैसे मनाते हैं वो फ्रेंडशिप डे। सो क्या कहना चाहोगे आपकी और इनकी फ्रेंडशिप के लिए? फ्रेंडशिप हमारी बहुत मीन्स कम से कम 2 या 3 साल से है। ओके अच्छा बॉन्ड है हमारा, मीन्स नॉर्मली फ्रेंड्स में हम एक दूसरे को समझ सकते हैं कि फ्रेंडशिप में कैसा रहना चाहिए एंड हेल्प करते हैं। एक्चुअली अभी भी फिलहाल हम जो भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मुझे गाइड करती है कि कैसे प्रिपरेशन करना क्या करना, तो मीन्स अच्छा बॉन्ड है हमारा। ओके और आप क्या सेम वैसे पढ़ाई साथ में करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हो उसके बारे में। तो आज के प्लान्स क्या है आपके, आप कैसे सेलिब्रेट करोगे फ्रेंडशिप? तो और फ्रेंड्स तो बुलाए हमने आज, तो हम और ज्वाइन करें उन्हें पर आज कुछ स्पेशल फ्रेंडशिप डे का प्लान बना हुआ है क्योंकि हम लोग काफी सालों से फ्रेंड है और हम नहीं चाहते कि हम कभी बिछड़े और हमेशा साथ में रहे, बस यही। आप क्या कहना चाहोगे अपने दोस्तों के लिए? आई लव यू एवरी, हमेशा के लिए आई लव यू, और मैं हम इनसे कभी दूर नहीं होंगी, चाहे मैं कितना भी दूर क्यों ना चले जाऊँ, बट इनसे मेरी फ्रेंडशिप हमेशा रहेंगी। आप कुछ कहना चाहोगे? सेम थिंकिंग। कहने के लिए शब्द ही नहीं है फ्रेंड लोग के लिए, फ्रेंड से तो सब है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। पूछी थी आप लोग कितने टाइम से दोस्तों? 2 years। ओके सो फ्रेंडशिप डे के लिए आज क्या प्लान है आप लोगों के? 90ml क्लब। ओके कुछ कहना चाहोगे अपने दोस्तों के लिए? वो ये और ये हमारे 2 फेवरेट दोस्त है। Okay. और ये सब लोग नहीं है? नहीं। ये भी है, मतलब बहुत पहले से फ्रेंड्स है इसलिए। ओके सो कुछ लाइंस इन लोगों के लिए? नहीं वो तो नहीं है, क्या कर सकते। थैंक यू, वेलकम।